Hey guys, welcome back to the channel again. And today in this video I'm going to discuss about this discuss phase. So इसके बारे में बात करने से पहले मुझे एक small notification आप लोगों को देना है कि subscribe कर देना चैनल को please, और like कर देना वीडियो को. तो इस phase के बारे में कुछ बातें share करना था, बहुत ही important होगा discuss phase keepers के लिए. So basically मैंने इस phase को और इसको एक साथ खरीदा था. तो जब खरीदा था दोनों का साइज लगभग इक्वली था, प्रॉपरली इक्वल यू कैन से. एंड इसका साइज अब देखो और इसको देखो, दोनों में हाफ से एक इंच का बहुत ही बड़ा फर्क आ गया है सिर्फ ढाई महीने में. तो इस 2.5 महीने में जो चेंज आया वो इसलिए आया कि ये वाला फिस, योलो वाला, ठीक से फूड ले रहा था. बट दिस गाय ओवर हियर, इसने फूड कभी नहीं लिया. तो पहले मैं जब इसको देता था, मतलब आपका टेटरबिट्स, तो मुंह में ले रहा था, थोड़ा सा मुंह में लेके च्यू करके फेंक दे रहा था. बट लास्ट एक महीने से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं. बट आई डोंट नो हाउ, मीन्स ढाई महीने से कुछ ना खा के भी अभी भी ये जिंदा है प्रॉपरली. देखो कलर भी ठीक ठाक खुल चुका है. आई डोंट नो किस लिए कुछ नहीं ले रहा है. बट दिस गाय, इसको दिन में 6 बार 7 बार कभी भी खाना दे दो, खाएगा. पेट इतना फूल जाता है, मैं तो कभी कभी डर भी जाता हूँ कि पेट ना फट जाए. तो बट इस गाय के लिए, दिस गाय, इसको देखो, बहुत ही मासूम टाइप का डिस्कस है. कलर ठीक ठाक है, ठीक ठाक खुला हुआ है. साइज़ के कंपैरिजन में कलर तो ठीक ठाक ही है, प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ नहीं है. बट ढाई महीने से कुछ नहीं खाया फिर भी जिंदा है, तो कुछ तो खा रहा है. ये तो कन्फर्म है कि कुछ तो खा रहा है. बट खा क्या रहा है, कभी भी एक भी प्लेट मुँह में नहीं लिया. और मोस्टली डिस्कस और सेवरम ने जितना बार भी मैं खाना दिया हूँ फिनिश कर देता है, एक दो प्लेट्स भी नहीं बचता है. और अगर बचता भी है तो ये वाला जो मेरा लोच है, ये वाला, ये खा लेता है. और कभी कभी बचता है तो दिस गाय, द क्रोकोडाइल, द प्लेको, ये खा लेता है. तो फूड आ कहाँ से रहा है? तो आई थिंक इन लोगों का जो पूप है उसको ही इस, मतलब ये इनटेक कर रहा है, आई थिंक सो. तो उससे ही जिंदा है. और बहुत जो डिप्लीट हो गया था इसका स्ट्रक्चर, अभी उतना नहीं है, थोड़ा सा ठीक ठाक ही लग रहा है. आई डोंट नो कैसे है, बट है. तो दिस इज़ द थिंग. सो फॉर द डिस्कस कीपर्स, मेरा एक ही एडवाइस है कि अगर फिश खाना नहीं ले रहा है बट फिश ठीक है तो उसको उसके जगह में छोड़ दो. मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस फिश से कि ये बचेगा मरेगा, आई डोंट नो, क्योंकि ये मेरे हाथ से निकल चुका है. जो भी ट्रीटमेंट करना पॉसिबल था सब कर चुका हूँ, सब कुछ. मतलब यू कैन से कि 1.5 महीने का ट्रीटमेंट किया, बट लास्ट 1 महीने से मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ से और सिर्फ वीकली 1 टाइम मोर देन 50% वाटर चेंज एंड एडिंग ए फिल्टर, इतना ही बस किया. और वे ठीक है. और यू कैन सी कि कलर देखो इसका, प्रॉपर है, प्रॉपर, कोई भी दिक्कत नहीं है कलर में, एकदम क्रिस्टल क्लियर. तो दिस इज़ द थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर इन दिस वीडियो. एंड यू गाइज प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इफ़ समथिंग आई एम मिसिंग आउट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस गाय. तो आप लोग अगर पता हो तो ऑब्वियसली बोल देना. एक मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो था, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचाना था कि ऐसा भी होता है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना होता हो सके वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, एंड जो भी अपडेट नया आएगा पोस्ट कर दूंगा. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. गुड बाय एंड सी यू इन अनदर वीडियो अनदर डे.